हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं फॉन्डेंट ऑब्जेक्ट। जो आपको मैंने पहला पार्ट बताया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये मैंने एक रेड फॉन्डेंट लिया है। इससे हम कुछ एक बो बनाएंगे और एक रिबन बनाएंगे। फिर से एक स्ट्रिप लेना है और इसे दो बराबर हिस्सों में काटना है। अब एक को हम फोल्ड करेंगे, दूसरे को भी फोल्ड करेंगे। अब ये जो फोल्ड किया है हमने, वहां पर हम एक W का शेप देंगे और उसे प्रेस कर देंगे। सेकेंड वाले में भी वही करना है, W का शेप देना है, प्रेस करना है और दोनों को फिक्स करना है। आप एक दूसरे से चिपकाने के लिए पानी भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये टिश्यू पेपर लेके हमारे जो बो बनाया है उसमें मैं उसके होल में डालूंगी। फॉन्डेंट ड्राई होने में टाइम लगता है, इसे एक दो दिन अगर हम रखते हैं तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और आपका जो फॉन्डेंट हमने बो बनाया है वो फ्लैट नहीं होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें अपना बो बनाना है। फॉन्डेंट ऑब्जेक्ट्स को चिपकाने के लिए आप पानी यूज कर सकते हैं, और अगर आप पानी यूज नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो आप फॉन्डेंट ग्लू भी यूज कर सकते हैं। फॉन्डेंट एडिबल ग्लू भी आता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपका बो बन गया है विथ रिबन। अब मैंने ये कुछ कटर्स लिए हैं जिसे मैं स्नोफ्लेक्स बनाऊंगी। आजकल फ्रोजन थीम बहुत चला है, बच्चों को फ्रोजन थीम केक बहुत पसंद आता है, स्पेशली गर्ल्स को। तो ये उसी के कटर्स हैं, फ्रोजन थीम के। ये स्नोफ्लेक्स बनाएंगे हम कुछ। अच्छे से प्रेस करके निकालना है। अब कुछ व्हाइट फॉन्डेंट लिया मैंने, ये स्नोफ्लेक्स रेडी है। इन्हें भी थोड़ा ड्राई होने दें, उसके बाद आप केक पर यूज कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद ये अच्छे से केक पर स्टिक हो जाते हैं और टूटने का भी डर नहीं होता है। और ये मैंने कुछ बटरफ्लाइज के कटर्स लिए, हम कुछ कलरफुल बटरफ्लाइज बनाएंगे।
इसे भी अच्छे से प्रेस करते हुए निकालना है। ये देखिए कलरफुल बटरफ्लाईज हमने बना लिए। अब हमें इन्हें इन बटरफ्लाईज को थोड़ा टेढ़ा करके रखना है। कुछ भी सपोर्ट दे सकते हैं आप उसे, ताकि बटरफ्लाईज एकदम फ्लैट ना हो। इस तरह से थोड़ा तिरछा करके हमें बटरफ्लाईज को रखना है। अब मैं कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी बताऊंगी आपको। इसके लिए भी तरह तरह के मोल्ड्स आते हैं। ये सब अलग अलग साइज के मोल्ड्स हैं यहाँ पे फ्लावर्स के, छोटे बड़े जैसे भी आपको चाहिए अपने केक के लिए आप बना सकते हैं। स्प्रिंकल से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसे भी पानी से लगाकर चिपकाना है। अब हम एक कैडबरी बनाएंगे डेरी मिल्क फॉन्डेंट से। इसके लिए मैंने एक ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लिया है। इसे हम रोल करेंगे और थोड़ा थिक ही रखेंगे, ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे। चारों तरफ से बराबर कट कर लेना है। रेक्टेंगल शेप में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए हमने थोड़ा थिक लिया है। अब एक नाइफ की मदद से हम इसे इसमें थोड़ा हल्का हल्का कट लगाएंगे। ये हमारी कैडबरी रेडी है। इसमें छोटा सा हम कट देंगे ऊपर। इसे भी ड्राई होने के लिए रख दें।
अब मैं एक और सिंपल तरीके से आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। एक राउंड शेप का छोटा कटर लेना है आपको। इस तरह गोल पेटल्स निकाल लेने हैं और एक दूसरे से चिपकाते जाना है। अगर पेटल्स ना चिपके तो आप पानी भी यूज कर सकते हैं। तरीके से चिपकाना है और अच्छे से प्रेस कर देना है। अब इन्हें हमें एक साइड से रोल करना है। रोल करते जाना है ये देखिए, एक खूबसूरत सा फ्लावर आपको मिलेगा। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बना सकते हैं। नीचे से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि एक दूसरे से सारे पेटल्स अच्छे से चिपक जाएं। अगर आपको छोटे फ्लावर्स बनाने हैं तो एकदम थोड़े से आपको पेटल्स लेने हैं। बस इस तरीके से घुमाते जाना है और तो पेटल्स थोड़े से बाहर की तरफ निकाल देना है। आप इसे एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी भी थीम केक के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर जंगल थीम भी बना रहे हैं तो भी आप ये फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। अब मैं एक टेडी बियर बना रही हूँ। अब इसके हाथ पैर बनाने हैं। अब एक राउंड शेप का मोल्ड लेना है जिससे मैं टेडी बियर का सर बना रही हूँ। आईज बनाएंगे। आईज के लिए कुछ मैंने ब्लैक फॉन्डेंट लिया है। छोटी छोटी गोलियां बना के आईज में आपको फिक्स करनी है। अब कुछ लाइट कलर का मैं फॉन्डेंट लूंगी। इस तरह से इसके मुंह पर हमें लगा देना है।
फिर से एक ब्लैक फॉन्डेंट लिया मैंने और इसके नाक बनानी है। अब एक ये मैं टूथपिक ले रही हूँ, ये हम टेडी बियर के पूरा बॉडी हमें इसलिए हम यूज करते हैं ताकि पूरा बॉडी इसके साथ फिक्स रहे। ये हमारा टेडी बियर रेडी है। इस तरह से आप कुछ फाइनल टच दे सकते हैं। ये अब हमारा टेडी बेयर एकदम रेडी है। आप चाहे तो इसे और भी दूसरे कलर्स में बना सकते हैं, पिंक कलर या ब्लू या वाइट, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दें, नेक्स्ट डे आप इसे केक पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बटरफ्लाइज भी थोड़ी ड्राई हो गई हैं, ये देखिए एकदम फ्लैट नहीं हो रही हैं। ये हमारे कुछ फॉन्डेंट फिगरिंग्स मैंने जो आपको बताए, फॉन्डेंट ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं। आप बेसिक कोई भी केक्स बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ये हमने बेबी बनाया था, इसे आप बेबी शॉवर केक में यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए केक बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ये मैंने स्नो फ्लेक्स बनाए थे, इसे आप फ्रोजन थीम केक में यूज कर सकते हैं। ये कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ बोस हैं, ये रिबन्स हैं। आप बेसिक केक्स में अपने ये ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।